हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो लाए फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एनएसपी के नए अपडेट्स के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी जो है इशू आ रहा है, चाहे बायोमेट्रिक करने में बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉमेंट्स आ रहे हैं। बट उससे पहले जो भी नए अपडेट्स हैं एंड आपके जो भी कॉमेंट्स हैं उन पर बात करने से पहले जो है जल्दी से एक जो है आपको प्रोसेस बताएंगे, आपको कैसे जो है बायोमेट्रिक करना होगा, कहाँ से करना होगा वो आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी इसके रिगार्डिंग नहीं पता प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे बायोमेट्रिक करना होगा, किसको पहले करना होगा, वो पहले जल्दी से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ही आपके जो भी क्वेश्चन से डाउट्स है वो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो नए अपडेट्स है उनके लिए जो है बात करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मिले आगे नए अपडेट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले। फ्रेंड्स, सिंपली जो है सीएससी सेंटर पे आप जो है बायोमेट्रिक करोगे, अगले प्रोसेस बताएंगे, उसके बाद जो है आपको किस सीएससी सेंटर पे जाना होगा, कहाँ पे जाना होगा वो उसके बाद यहाँ पे बताएंगे। गूगल में टाइप करके nsp.bau.in आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, nsp.bau.in ऐसे आप टाइप करोगे, फर्स्ट वाला ऐसा इंटरफेस आपको आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, देख सकते हो यहाँ पे लॉगिन विद डिजिटल सेवा, इस पे आपको एक बार क्लिक करना है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, सीएससी सेंटर अपनी एप्लीकेशन आईडी जो उसकी आईडी होगी, पासवर्ड कैप्चर फिल करके एक बार साइन इन पहले खुद करेगा। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको जो है होम डैशबोर्ड एंड ऑथेंटिकेट का ऑप्शन मिल रहा है, तो सिंपली आपको ऑथेंटिकेट पे एक बार क्लिक करना है। ऑथेंटिकेट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे सिंपली आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। एसएनओ डीएनओ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ एंड स्टूडेंट पे जो है स्टूडेंट से पहले जो आईएनओ होगा या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट होगा, यहाँ पे सबसे पहले आईएनओ अपना बायोमेट्रिक करेगा। सिंपली ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट होगा या आईएनओ होगा, पहले जो है सिलेक्ट करके जो है उसकी आईडी, उसकी जो है एनएसपी की आईडी होगी वो डाल के यहाँ पे फिंगरप्रिंट पे क्लिक करके कैप्चा फिल करके सबमिट पे एक बार क्लिक करेगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है ऑनलाइन एक फोटोग्राफ यानी कि लाइव फोटोग्राफ लिया जाएगा। लाइव फोटोग्राफ के बाद डिवाइस पे फिंगर रख के जो है उसका एक बार बायोमेट्रिक हो जाएगा, एंड जो ही चाहे आईएनओ होगा वो एक बार बायोमेट्रिक करेगा, उसके बाद ही जो है स्टूडेंट का ऑप्शन यानी कि उसके बाद ही स्टूडेंट्स का जो है बायोमेट्रिक यहां पे हो पाएगा। लाइव फोटोग्राफ एंड उसके बाद जो है बायोमेट्रिक के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, ऐसा ही स्टूडेंट के साथ भी यानी ऐसा ही प्रोसेस स्टूडेंट को भी करना है, बट पहले जो है आपका आईएनओ होगा अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट करेगा, उसके बाद ही जो है स्टूडेंट्स कर पाएंगे। इसके बाद जो है सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया, सिंपली जो है ऑथेंटिकेट पे क्लिक करने के बाद जो है स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे जो इंटरफेस है यहाँ पे जो इंटरफेस होगा, एक बार आपका आईएनओ या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट वो एक बार अपना खुद का बायोमेट्रिक करने के बाद ही स्टूडेंट्स का हो पाएगा। सिंपली एप्लीकेशन आईडी स्टूडेंट की डालेंगे एंड जो है आधार नंबर एंड उसके बाद करंट लोकेशन खुद से आएगी, एंड उसके बाद जो है फ्रेश या रिन्यूअल टाइप करके फिंगरप्रिंट पे एक बार क्लिक करेंगे, कैप्चा फिल करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद स्टूडेंट का भी वैसा ही जो है सेम लाइव फोटोग्राफ यहां पे कैप्चर करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है फिंगरप्रिंट डिवाइस पे फिंगर रख के जो है स्टूडेंट का बायोमेट्रिक हो जाएगा, एंड सक्सेसफुल शो करके एक रिसेप्ट आएगा, वो आप जो है उससे प्रिंट आउट भी ले सकते हो ताकि आप इंस्टीट्यूट पे जाके उनको दिखा सकते हो, उसके बाद ही आपका इंस्टीट्यूट जो है आपको वेरीफाई करेंगे। तो सिंपली उनके पास भी जो है डैशबोर्ड में डाटा रहेगा, वो वहां पे भी चेक कर सकते हैं। अब ये तो प्रोसेस था, उसके बाद जो आपके डाउट्स है क्वेश्चंस है उन पे बात करेंगे लास्ट डेट की। कल के डेट में स्टूडेंट्स को ऐसा मैसेज आ गया 20 जिसका जो है अगस्त लास्ट डेट रहने वाला है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पे मेंशन क्लियरली कर दिया गया है कि इस डेट तक जो है स्टूडेंट्स अपना बायोमेट्रिक करें, उसके बाद जो है एरर अभी आ रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, यहां पे आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे देख सकते हो दोनों सर्वर काम नहीं कर रहे, और कमेंट यहाँ पे देख सकते हो स्कूल में साइट नहीं चल रही है। तो सिंपली बहुत सारे जो है ऐसे केसेस अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे, साइट नहीं चल रही है, अभी जो है इंस्टीट्यूट्स कुछ इसके रिगार्डिंग जो है काम नहीं कर रहे। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ऐसा इशू आ रहा है, डेफिनेटली जो 20 अगस्त जो है इसका लास्ट डेट है वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा इन, बट जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ अगर ऐसा जो है इशू आ रहा है। अब कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हम किसी स्टेट से है, हमें हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो बहुत दूर है, तो उस केस में क्या होगा, सिंपली आप जितना भी दूर हो आपको वहां पे जाके ही अपना बायोमेट्रिक करना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो है आपका आईएनओ होगा या आपका जो है हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट होगा वो खुद से बायोमेट्रिक करने के बाद ही आपका हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आपका अगर पास में कोई सीएससी सेंटर है तो वहां पे आपका इंस्टीट्यूट जो आपका कॉलेज एक्स्ट्रा होगा वहां का इंस्टीट्यूट नोडल अफसर आपके घर के पास में तो नहीं आ सकता, तो इसीलिए जो है आपको वहां पे जाना ही पड़ेगा। तो ये प्रोसेस एंड कुछ कमेंट्स यहां पे इस वीडियो में मेंशन किए,
तो मैक्सिमम सेम कमेंट्स आ रहे थे उन पे हमने बात की। एंड आपको भी अगर कोई अभी इशू आ रहा है, आपको भी कुछ लग रहा है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। एंड आप इसके रिगार्डिंग एंड आप इसके बगैर भी जो है हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो जेके ऑल इन्फो सर्च करके, वहां पे भी अपना डाउट पूछ सकते हो एंड आपका डाउट इमीडिएटली क्लियर हो जाएगा। तो आज का वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा, पसंद आया, वीडियो को लाइक, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।